जय हिंद दोस्तों। मैंने पिछले अपनी एक वीडियो में अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बस्तर बटालियन से संबंधित जो नया राजपत्र जारी किया गया है उसके संबंध में एक वीडियो बनाई थी और उसके बारे में सारी जानकारी दी थी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बस्तर बटालियन में पहले फिजिकल लिया जाएगा और उसके बाद रिटर्न का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जबकि छत्तीसगढ़ में जो एसआई भर्ती परीक्षा जिसके लिए अभी वर्तमान में फॉर्म मांगे जा रहे हैं उसमें पहले रिटर्न का एग्ज़ाम होगा उसके बाद फिजिकल होगा। तो आज के इस वीडियो में बस्तर बटालियन से संबंधित जो फिजिकल होने वाला है उसमें किस प्रकार से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे प्रत्येक फिजिकल के लिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है फिलो ट्यूटर ऐप। ये भारत का बहुत ही सुविधाजनक ऐप है जिसके जरिए आप महीने का 20,000 रुपये तक कमा सकते हैं और वो भी दिन के सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे खासियत यह है कि स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय आप पढ़ा सकते हैं अपने शेड्यूल के अनुसार। अगर आप एक या दो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं तो आप फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो उसमें जाकर के रजिस्टर करें। पे आउट ईजली मंथली पेमेंट विथ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, जितना पढ़ाओगे उतना ही कमाओगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी जाकर के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये बस्तर बटालियन या बस्तर फाइटर के चयन की प्रक्रिया, पहले आप लोग को आवेदन करना पड़ेगा, उसके बाद शारीरिक माप कमान मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, उसमें आपकी नौकनी चेस्ट वगैरह देखे जाएंगे, हाइट वगैरह। उसके बाद जो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, जबकि आपको पता है छत्तीसगढ़ की जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसमें पहले रिटर्न रखा गया है, ठीक है, लेकिन अभी जो बस्तर बटालियन की जो होगी उसमें पहले फिजिकल रखा गया है। और आज की इस वीडियो में इन्हीं 5 फिजिकलों पर बात करना है हमको। इस फिजिकल होने के बाद फिर आप लोग को लिखित परीक्षा रखी गई थी बस्तर बटालियन, मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बताया है इसके बारे में। उसके बाद आपका साक्षात्कार रखा गया, 20 नंबर का है अधिकतम, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर आपको बोनस अंक भी आपको दिए जाएंगे, 30 नंबर के बोनस अंक भी रहेंगे। ये सब मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बता दिया है, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा करके उसके लिए देख सकते हैं, ठीक है। फिर चयन सूची जो है आपकी 200 नंबर जो पूर्णांक रहेंगे उसमें चयन सूची आपकी बनेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में देख लेते हैं हम लोग की जो हमारा फिजिकल जो पहले होगा तुरंत ही, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद फिजिकल ही होगा, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है अभी जो नया राजपत्र आया है बस्तर बटालियन के लिए, 31 सितंबर 2021 का यहाँ पर डेट दिया गया छत्तीसगढ़ राजपत्र में। अब यहाँ पर देखिए कि किस किस प्रकार से आपको नंबर दिए जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी की बात करता हूँ, यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी रहेंगे वो मेल रहेंगे मतलब पुरुष रहेंगे। इस कॉलम महिलाओं के लिए मतलब फीमेल के लिए बनाया गया है। तीसरा जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए बनाया गया, तीनों के लिए अलग अलग है। तो पहला जो आपका होगा वो लंबी कूद होगा, ठीक है, महिलाओं के लिए भी होगा। इसमें अधिकतम 20 अंक है सभी में, इसमें महिलाओं को 20 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जो पुरुष हैं अगर वो 3 मीटर 75 सेंटीमीटर से कम कूदते हैं तो उनको कोई भी अंक नहीं मिलेगा, और महिलाओं के लिए 2 मीटर 50 सेंटीमीटर से कम कूदेंगी तो कोई नहीं मिलेगा उसमें अंक, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से 3 मीटर 75 सेंटीमीटर में 7 नंबर मिलेगा महिलाओं को, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर में 7 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 4 मीटर में 11 नंबर मिलेगा, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर में 14 नंबर, और 5 मीटर में जो है 5 मीटर में आपको फुल नंबर दिए जाएंगे, 17 नंबर दिए जाएंगे, सॉरी 5 मीटर कूदेंगे 17 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद फाइनल देखते हैं, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर या उससे अधिक कूदेंगे तो लंबी कूद में 20 नंबर मिलेंगे, और लड़कियों को 4 मीटर 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक कूदने पर 20 नंबर मिल जाएंगे। भूतपूर्व जो सैनिक है वो 5 मीटर 40 सेंटीमीटर कूदेंगे तो उनको फुल नंबर मिलेंगे। तो ये पहला था जिसमें लंबी कूद आप लोग की होगी। दूसरी मैं बात कर देता हूँ दोस्तों ऊंची कूद की। ऊंची कूद यहाँ पे आप लोग देखिए 20-20 नंबर का है, ये किसके लिए है, फीमेल के लिए है, और ये मेल के लिए, लड़कों के लिए है। तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर से स्टार्टिंग होगी जहाँ पे आपको 0 नंबर मिलेंगे। उसके बाद 1 मीटर 30 सेंटीमीटर आप लोग कूद लेते हैं तो 7 नंबर मिलेंगे लड़कों, लड़कियों को 1 मीटर में ही 7 नंबर मिल जाएंगे। 1 मीटर 35 सेंटीमीटर में 11 नंबर है, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर में 14 नंबर है, 1 मीटर 45 सेंटीमीटर में 17 नंबर है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर में फुल मार्क्स है मतलब 20 नंबर है। लड़कियों के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर में आपको यहाँ पर के 20 नंबर मिल जाएंगे, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर में ही 20 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला मैं बात करता हूँ गोला फेंक की, जिसका वजन बताया गया है अलग से, लड़कियों के लिए 8 पाउंड रहेगा, लड़कों के लिए 16 पाउंड रहेगा। गोला फेंकना अगर 5 मीटर तक फेंकते हैं तो कोई नंबर इसमें नहीं मिलेगा, लड़की अगर 4 मीटर फेंकती है तो उनको कोई नंबर नहीं मिलेगा,
और 5 मीटर से कम फेंकते हैं भूतपूर्व सैनिक तो भी उनको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसी प्रकार 5 मीटर तक में 7 नंबर है, 6 मीटर में 11 नंबर है, 7 मीटर में 14 नंबर है, 8 मीटर में 17 नंबर है और 9 मीटर फेंकते हैं तो पूरा 20 नंबर आपको मिलेगा। लड़कियाँ अगर 8 मीटर फेंकती हैं तो उन्हें 20 नंबर मिल जाएगा लड़कों को, जबकि वो 9 मीटर में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरा गोला फेंक था। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण इसमें रखी गई है वो है 100 मीटर की दौड़। तो अगर 12 सेकंड में या उससे कम में आप पूरा कर लेते हैं लड़के 100 मीटर की दौड़ तो उन्हें 20 अंक मिल जाएंगे। लड़कियां अगर 14 सेकंड तक कर पाती तो भी उन्हें 20 नंबर मिल जाएंगे। लड़के 14 सेकंड में करते हैं तो 14 नंबर है, 16 सेकंड में करते हैं तो 7 नंबर है और 16 सेकंड के बाद आते हैं तो उन्हें 0 नंबर मिलेगा। लड़कियां अगर 18 सेकंड के बाद आती हैं तो उन्हें 0 नंबर मिलेगा, लेकिन 18 सेकंड तक कर लेती हैं 100 मीटर की दौड़ तो 7 नंबर उनको मिल जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है और नया ऐड हुआ है वो है 3000 मीटर की दौड़, या मैं कह लूँ 3 किलोमीटर की दौड़, है ना, ये नया ऐड हुआ है। इसमें आप लोग देखिए, इसके लिए भी आपको समय दिया गया है। अगर लड़के जो है 10 मिनट 15 सेकंड तक इसको कंप्लीट करते हैं तो उनको 20 अंक मतलब पूरे अंक मिलेंगे। लड़कियों की दौड़ है 12 मिनट 15 सेकंड में करेंगे तो उनको 20 अंक मिल जाएंगे, और 12 मिनट 15 सेकंड में ही अगर भूतपूर्व सैनिक भी दौड़ लेते हैं तो उन्हें 20 अंक पूरे के पूरे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा नंबर कम दिए गए हैं। 10 मिनट 45 सेकंड में अगर कोई करता है तो उसको 14 अंक दिए जाएंगे, 11 मिनट 15 सेकंड में कोई दौड़ता है तो उसको 7 अंक दिए जाएंगे, और 11 मिनट 15 सेकंड के से अधिक कोई समय लेता है तो उसे कोई अंक नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार अगर लड़कियां हैं 13 मिनट 15 सेकंड से अधिक नंबर ले लेती हैं तो उसको 0 नंबर मिलेंगे यहाँ पर, और इस प्रकार से भूतपूर्व सैनिकों का भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर कोई तृतीय लिंग का अभ्यर्थी है तो अगर वो पुरुष अभ्यर्थी के रूप में उसको दिया जाए, अगर वो पुरुष मेंशन करते हैं, अगर महिला उल्लिखित करते हैं अपने फॉर्म में तो उनको महिला का जो ये यहाँ पर ये कैंडिडेट का ये जो फिजिकल है उसको उसके हिसाब से करवाया जाएगा। दोस्तों तो आप लोग चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और आप लोग इसकी तैयारी करिए। जैसे कि 24 जुलाई को पीएससी का सॉरी 24 जुलाई को जैसे कि एसआई का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद क्या हो गया था, अभी अक्टूबर में फॉर्म लेना स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी प्रकार आप लोग की बहुत जल्द ही बस्तर बटालियन की भर्ती आ सकती है। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।